हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज हम लोग बात करेंगे गेट एग्जाम के बारे में। तो गेट एग्जाम से रिलेटेड उसके क्या एलिजिबिलिटी होती है, उसमें किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है और हर एक क्राइटेरिया और हर एक वेज आपको बताएंगे गेट एग्जाम से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेट एग्जाम्स के बारे में। तो चलिए पहले शुरू करते हैं गेट एग्जाम्स होते क्या है। सो गेट एग्जाम्स आर बेसिकली ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो कि जॉइंटली कंडक्ट कराया जाता है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड 7 ऑफ द मेन IITs ऑफ इंडिया। और गेट एग्जाम्स आपको एलिजिबल बनाते हैं फॉर योर मास्टर डिग्री इन वेरियस डिसिप्लिन्स एंड ऑल्सो हेल्प्स यू इन द रिक्रूटमेंट। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंडिया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। पहले गेट एग्जाम्स में ये एलिजिबिलिटी थे कि अगर आप फोर्थ ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तभी आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट फ्रॉम 2021 रूल्स थोड़े से चेंज हो गए हैं और अब आप थर्ड ईयर में भी हैं किसी भी डिसिप्लिन में, देन यू कैन अटेम्प्ट योर एग्जाम। इसके लिए बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि आप किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्रीज होने चाहिए या डिप्लोमा होने चाहिए। जस्ट आपका 10+2+3 होना चाहिए। इट इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। जो मास्टर्स की फाइनल डिग्री में है वो भी इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर देयर PhD डिग्रीज। ऑल्सो इसमें कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है और कोई मैक्सिमम एज नहीं है गेट एग्जाम्स का अटेम्प्ट का। सो यू कैन गिव इट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यू विश। अब हम बात करेंगे कि ये एग्जाम्स कौन कौन से डिसिप्लिन्स में होते हैं। सो बेसिकली पहले 25 डिसिप्लिन्स में होते थे, बट फ्रॉम 2021 दो एक्स्ट्रा डिसिप्लिन्स ऐड हुए हैं, जो कि है एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग एंड ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सो ये दोनों न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं 2021 में। अब हम बात करेंगे पैटर्न के बारे में। सो हम लोग बेसिकली आर्किटेक्चर के पैटर्न के बारे में कवर करेंगे, उसके एग्जाम्स कैसे हो सकते हैं और उसमें मार्किंग स्कीम क्या होता है, आप उसको कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द पैटर्न, आपका क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शंस में डिवाइड होता है। फर्स्ट सेक्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड का रहता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, मे बी लॉजिकल रीजनिंग या फिर आपका जो भी 1 से 10 तक मे बी बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो भी आ सकता है जनरल एप्टीट्यूड में, तो वो आपका 15% ऑफ द क्वेश्चन पेपर कवर करता है। देन आता है आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें सोलली सिर्फ आर्किटेक्चर के क्वेश्चन होते हैं, और वो भी सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल क्वेश्चन ही हों, उसमें बेसिक से बेसिक्स क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं। सपोजिटली जैसे हम फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कि ब्रिक्स कितने तरीके के होते हैं या आर्चेस क्या होते हैं, ट्रसेस क्या होते हैं, उसमें वो चीज़ भी पूछा जा सकता है। उसमें आपको एक तरफ फोटो दे दिया जाएगा और दूसरी तरफ नाम लिखा होगा, यू जस्ट हैव टू मैच इट। सो आपको उस समय से ही वो चीज़ें पढ़नी शुरू करनी पड़ेगी या वो चीज़ें भी आपको दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये आप प्रिपरेशन में ज़रूर ध्यान रखें कि आप छोटी सी छोटी डिटेल्स को भी ना छोड़ें। अब बात करते हैं कि इसका टाइप क्या होता है एग्ज़ाम में। सो इट इज़ बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें आप कीबोर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, आपको माउस से ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। सो ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, ना आप पहले दिन के बाहर निकल सकते हैं ना आप लेट से अंदर जा सकते। टोटल स्कोर 100 मार्क्स का होता है और स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 3 साल तक होती है एटलीस्ट। ये एग्ज़ाम जनरली साल में एक बार ही होता है फेब के महीने में, और ये 3 वीक्स का होता है, बट ड्यू टू कोविड अभी 2021 में इसको 2 वीक्स में ही कर दिया गया और 2 शिफ्ट्स में इसके एग्जाम्स होते हैं। मेनली एग्जाम्स आपके इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं और इसका कट ऑफ डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर की डिफिकल्टी पे। सो क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी मॉडरेट टू डिफिकल्टी होता है, ईजी तो होता नहीं है एज यूजल। सो और इसमें कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन जनरल आर्किटेक्चर में क्वेश्चन नहीं होते हैं, बट जनरल एप्टीट्यूड में हो सकते हैं। अब देखेंगे कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो 3 तरीके के मेनली क्वेश्चंस होते हैं। एक MCQ होता है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुआ। फिर MSQs होता है, जिसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। फिर NAT होता है, विच इज न्यूमेरिकल आंसर टाइप। MCQs में तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं, एक 2 मार्क्स क्वेश्चंस होते हैं, और उनका नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQs में ही होता है। और MSQs में एंड न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकता है, तो उसमें आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट यही है मल्टीपल सेलेक्ट में, कि अगर आपका एक ऑप्शन भी छूट गया या आपने एक ऑप्शन भी एक्स्ट्रा कर दिया जो कि नहीं है, तो आपका नंबर चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा मार्किंग स्कीम। अब गेट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सो मोर और लेस एवरी ईयर सिलेबस सेम ही रहता है, ब्रॉड टॉपिक सेम रहते हैं, बट इंटरनल टॉपिक्स या सब टॉपिक्स जो बोलते हैं हम,
वो में भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है या कुछ एडिशन हो सकता है अगर कुछ नया हुआ है तो मेनली 8 पार्ट्स होते हैं जो कि आपका डिवाइड करते हैं। सो पहला तो आर्किटेक्चर एंड डिजाइन हुआ, फिर बिल्डिंग मटेरियल्स कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हुआ, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स हुआ, एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड डिजाइन हुआ। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये कंप्राइज करेंगे आप समझ लीजिए 40% ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देन आपका अर्बन डिजाइन का सोली 20% रहता है, देन अर्बन प्लानिंग एंड हाउसिंग भी उसमें ही आ जाएगा, देन प्लानिंग टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट और सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन आपका 10-20% में कंप्राइज हो सकता है। बट ये ईयर वाइज चेंज होता रहता है, बट ये हमेशा देखा गया है कि आर्किटेक्चर एंड डिजाइन एंड अर्बन डिजाइन हमेशा टॉप पर होता है और उनका वेटेज ही ज्यादा होता है। तो नीचे अब दिया है हमने गेट के डिटेल सिलेबस जो कि 2022 के लिए है, तो आप इसमें से रेफर करके एंड यू कैन डू अकॉर्डिंगली योर प्रिपरेशंस। आई होप सो गाइज ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और भी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड है और आपको इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स करना है तो आप हमारे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि 3 मंथ और 1 ईयर का है, जिसके अंदर हम लोग आपको कंप्लीट इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड चीजें सिखाते हैं, जैसे कि आपको 5 सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, उसके अंदर ऑटो कैड, वी रे, स्केचअप, फोटोशॉप, लूमियन सारी चीजें आपको सिखाई जाती है। उसके बाद हम लोग आपको थ्योरी क्लासेस भी देते हैं जिसके अंदर आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि किस तरीके से इंटीरियर में जो यूज होते हैं वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। उसके बाद हम लोग आपको साइट एक्सपीरियंस देते हैं, तो हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उन प्रोजेक्ट्स पर आपको ले जाया जाएगा, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि जो ड्राइंग्स आप लोग बनाते हैं वो एक्चुअल साइट पे कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इसके बाद हम लोग आपको एस्टिमेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर कि आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा कि कैसे किसी एक रूम का कॉस्टिंग निकाला जाता है, वो कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, कैसे सारी चीज़ों की प्राइसिंग डिसाइड की जाती है और ओवरऑल एक एरिया का क्या एस्टिमेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग आपको वास्तु सिखलाएंगे, वास्तु के अंदर आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वास्तु के हिसाब से प्लानिंग की जाती है, कहाँ से एंट्रेंस होता है, कहाँ पे वॉल, कहाँ पे कौन सा कलर लगता है, ये सारी चीज़ें हम लोग वास्तु के बारे में सिखाते हैं। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे आप एक सर्टिफाइड डिज़ाइनर बन जाते हो, तो आप सर्टिफाइड डिज़ाइनर हमारे साइड से बनते हो। और साथ में अगर आप 1 ईयर का कोर्स करते हो तो हम लोग एक MSME रजिस्ट्रेशन करके देते हैं, जिसके तहत अगर आपको खुद का एक बिजनेस करना है तो आपको गवर्नमेंट के साइड से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगा। हर एक सपोर्ट सिस्टम और हर एक हैंड होल्डिंग हम लोग देते हैं अपने कोर्स के अंदर। तो अगर आप इस कोर्स में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sahufoundations.com, और बाकी की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइज़।